तो भाई ऐसा है, मूवी देख चुके हैं सलार और डंकी। बात करते हैं सलार के, एक्चुअली थोड़ा सा बात करेंगे सलार की, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिविटी और एक्सट्रीम पॉजिटिविटी चल रही है उस पे, और आज डे वन का सलार का क्या कुछ आ रहा है यार, और डंकी पे भी बात करेंगे कि डंकी का क्या कुछ पोटेंशियल आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। भाई देखो, मैं एक बात अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं जब आप सोशल मीडिया खोलोगे ना, सो दो तरीके के रिव्यू मिलते हैं, मतलब सलार की बात कर रहा हूं, एक एक्सट्रीम नेगेटिव चले जाते हैं, एक एक्सट्रीम पॉजिटिव चले जाते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सलार का सेकंड हाफ, मैं अभी भी इस बात पे बिल्कुल 100% श्योर हूं, न्यूट्रल किसी से, मुझे ऐसा लगता है सलार का जो सेकंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ दोनों अलग मूवीज है। मतलब जब मैं फर्स्ट हाफ देखा था तो मुझे मूवी की एक्सपेक्टेशन बहुत वो हो गई थी, सेकंड हाफ कंप्लीट डिफरेंट मूवी, मैं डिफरेंट वर्ल्ड में चला गया था। क्या करेक्टराइजेशन करी है यार प्रशांत नीले सेकंड हाफ में, क्या दुनिया दिखाई। मतलब मैं यही सोच रहा था कि जो ट्रेलर में सीन थे वॉर के, हालांकि अभी भी वो एक लात, देखो जो भी मूवी का आप जब एंड होता है ना, एक फॉर्मूला होता है यार, जो मूवी का जो सेकंड हाफ होता है और जो एंडिंग होती है ना, अगर वो सस्पेंस में छूटती है, वो मिस्ट्री में छूटती है, वो एक आगे देखने की चाह में छूट जाती है ना, तो आई थिंक वो मूवी की बहुत बड़ी विन हो जाती है जनरली उन मूवीज की। तो सलार यहां पे विन करती है क्योंकि आखिरी के 30 से 45 मिनट लिटरली गाइस बहुत अच्छे थे। मैं पूरी मूवी में हल्का सा फोन देख रहा था आखिरी के, तो मतलब मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा यार समझ लेता हूं पहले दिखा क्या रहा है, क्या किंगडम दिखाया, क्या वो खानसार सिटी दिखाई, वोटिंग सिस्टम और वो जो सीज फायर का सारा इश्यूज दिखाए, और साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, और साथ में मेन मुद्दा चल रहा है दो दोस्तों की कहानी। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया सलार के सेकंड हाफ से। मैं अगेन कह रहा हूं सलार का सेकंड हाफ बहुत ज्यादा भारी है फर्स्ट हाफ पे, मतलब चार क्या बोलूं, मतलब सेकंड हाफ से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। बट एनीवेज ये रही एक बात, अब बात करते हैं भाई सलार का डे वन का प्रेडिक्शन कितना आता हुआ दिख रहा है। मैसिव 100 करोड़ के आसपास का डेटा आता हुआ दिख रहा है ऑल इंडिया सलार का फर्स्ट डे का। गाइस दिस इज ह्यूज थिंग। अभी मैं आपको ब्रेकअप, मेरे पास थोड़ा सा है ब्रेकअप, बट मैं आपको ब्रेकअप इसलिए नहीं दूंगा, वो बाकी इसी वीडियो में दे दूंगा ताकि वो थोड़ा एग्जैक्ट हो। बट ऑल इंडिया की अगर बात करोगे तो 100 करोड़ एक बक्सा गाइस, मतलब 100 बक्से एक्चुअली, एक बक्सा नहीं 100 बक्से आ चुके हैं सलार के, आने चाहिए, मतलब उससे 95, 94, 93, 100 आसपास जितने आ जाए बहुत बड़ी बात है। अब देखो यहाँ पे बात है ये भी चलेगी कि भाई हिंदी में कुणाल भाई ठीक है मूवी ये सही है कलेक्शन कर रही है, बट ये तो साउथ में कर रही है, हिंदी का क्या। देखो हिंदी का भी ब्रेकअप आएगा, बट मैं आपको टेंटेटिव बता देता हूँ 13 से 15 करोड़ के आसपास का उठा के चलना सलार का डे वन का, जो आई थिंक मुझे लगता है ठीक है यार, अच्छा है मेरे हिसाब से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मूवी हिंदी में सलार धीरे धीरे पिक करेगी। अब आप ये मत सोचना कि वो 400 करोड़ करेगी और 500 करोड़ करेगी हिंदी में, वो शायद ना हो पाए, बट आई थिंक डिसेंट नंबर भी कर देती है, ग्रोथ धीरे धीरे होती है, बहुत बड़ी बात है। तो सलार का डे वन 100 करोड़, दैट्स अ ह्यूज थिंग। डंकी का डे टू का क्या कुछ चल रहा है, डंकी का डे टू का अर्ली एस्टिमेशन मैं आपको इतना ही दे सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि डंकी 25 से 30 के आसपास आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूं, बट लेट अस सी कि एडवाइस की जो ऑक्यूपेंसी रहती है इवनिंग और नाइट शोज की क्या रहती है, बिकॉज फ्राइडे ऐसा होता है नहीं, सैटरडे छुट्टी है, फ्राइडे के नाइट शोज कल के भी अच्छे गए थे, तो अब देखना कंपेयर करना पड़ेगा कल के नाइट शोज और आज के नाइट शोज कितने ऑक्यूपाइड है, उसके हिसाब से ही डेटा दे पाऊंगा, बट 25 आनी चाहिए डंकी के हिसाब से अगर उसको लॉन्ग रन में चलना है। बाकी देखते हैं यार क्या कुछ होगा, जो भी होगा आपको अपडेट मिलती जाएगी, और अगर कुछ शेयर करना हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। टेक केयर, बाय बाय।